थ्योरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे और उसमें बताया था कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है सीयूटी एग्जाम में, और आज हम लीनियर अलजेब्रा करने वाले हैं। कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, एक इतना सा वर्ड भी नहीं छुड़वाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा, रहने नहीं दूंगा मैं, वो पेड फ्री वाले में कोई भेदभाव नहीं करने वाला इंसान हूं, तुम्हें पता ही होगा। ये सारी चीजें रहने वाली हैं। लीनियर अलजेब्रा में दो पार्ट रहने वाले हैं, एक वेक्टर स्पेसेस और मेन जो हमारा मैट्रिसेस वाला पार्ट रहता है, रैंक वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करने वाले हैं। और जैसे ही वीडियो एंड होगी, एंड में तुम्हें यहाँ पे एक वीडियो दिखाई देगी, जब वीडियो खत्म होने वाली होगी ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करना, प्रैक्टिस सेशन में तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे, प्रैक्टिस करना, उसके बाद तो भैया फिर तो और क्या बताएं, प्रिपरेशन हो गई लीनियर अलजेब्रा की। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा, आज हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला टॉपिक लिखो मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहली चीज हमारे पास होती है इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बीच बीच में स्किप कराऊंगा, उसकी डेफिनेशन खुद से लिखना ताकि रिवाइज हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करी होनी चाहिए, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड स्क्वायर मैट्रिसेस देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। अरे भैया इतनी इतनी बेसिक बातें लिखवा रहे हो, अरे भाई से आप यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, सीरियसली बता रहे हैं यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, इसलिए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। अगर मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, अब याद रखना मैं यहां पर स्क्वायर मैट्रिसेस की ही बात करूंगा, इफ रहें दो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर इज जीरो। इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, सारे ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हुए हैं, उसी से ही एक्सट्रैक्ट करके लिए हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसको करना, खत्म हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा पूरा का पूरा। ठीक है, बढ़िया, इसमें लेयर लेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीप जाते नहीं। ऑर्थोगोनल कौन सी होती है, ए इंटू में ए ट्रांसपोज कर दोगे अगर आइडेंटिटी आता है तो उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। जल्दी से लिख लो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो लिख लो ऑर्थोगोनल का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, ये भी पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है दोबारा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस वन और माइनस वन। बढ़िया, इसका मतलब यहां से तो ये आ रहा है कि भैया ये तो हमेशा नॉन सिंगुलर होती है ना, यहां से भी पता लग रहा है, विच इंप्लाइज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, हमेशा नॉन सिंगुलर होती है। यहां से बात पता लगी, एमसीक्यू में आ सकता है यार, देखो ये और आने एमसीक्यू में से तो, बट कोई बात नहीं। हेंस अगर नॉन सिंगुलर है तो दिस इंप्लाइज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल, इनवर्स फाइंड किया जा सकता है अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मतलब इन टू इन ट्रांसफर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बढ़िया, बहुत अच्छे, बातें हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की, याद रखना। यूनिटरी मैट्रिक्स नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज वन, माइनस वन भी नहीं प्लस वन, ऑफ मॉड्यूलस वन इज ऑफ मॉड्यूलस वन। चलो लिख लो फिफ्थ पॉइंट। बढ़िया, व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, जल्दी से बता दो व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स अपनी लैंग्वेज में, लिख लो जल्दी से। ए इंटू ए थीटा, अरे ए थीटा मतलब वो ट्रांसपोज करके कंजुगेट लेते हैं, जल्दी से अपनी लैंग्वेज में लिख लो। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ो, किसी ने अभी तक लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा तो मेरे से पूछ लो, लेकिन खुद से लिखने की कोशिश करो यार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम अ मैट्रिक्स, इन डेफिनेशन पर क्वेश्चन बनेंगे, पहले ही बता दिया, अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स
एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अ सिंगल ऑपरेशन, बाय अ सिंगल ऑपरेशन, सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ भैया, एक बार बता दो। तो मतलब हमारे पास ये होता है, मान लो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर तुम एक ऑपरेशन लगाओगे, एक सिर्फ एक जो उसके बाद मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे आने से पहले हम देख लें, वीडियो एकदम बढ़िया बन रही है इसी बात पे। पॉइंट नंबर छह हम तुम्हारे सामने लेके आए हैं कि ट्रेस के थोड़े से, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम, डायगोनल के एलिमेंट का सम। तो लिख लो, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी। इसी में ही लिख लो, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। इसी में ही है ये पॉइंट, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस ऑफ ए ए मतलब एक कॉन्स्टेंट लगा दिया साथ, या इसको अल्फा मान लो, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए ही होगा। पॉइंट नंबर 7 पे चलना चाहेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मान लो तुम्हें दो मैट्रिक्स दे दी और वो पूछेंगे कि दोनों का ट्रेस सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। अलग अलग करने पे मतलब ये क्या लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है, हाँ ये लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है, अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, इस पे बन सकते हैं। क्या ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। बढ़िया, 7 नंबर पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। यहां पे हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसपे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, व्हाट इज रैंक, रैंक ऑफ ए। रैंक हमें पता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, है ना, नॉन जीरो रोज, और एक्लन फॉर्म में लानी होती है हमें। वो एक्लन फॉर्म पता है ना, पहले के नीचे सारी जीरोस, फिर दूसरे के दो एलिमेंट के नीचे जीरोस, तीसरे के तीन एलिमेंट के नीचे जीरोस, ऐसे ऐसे हमें करना होता है वही। तो लिख लो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म, रैंक ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म ऑफ ए, इन एक्लन फॉर्म ऑफ ए। अब यहां पर ना एक चीज ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे यार एंड में, मैंने बताया ना तुम्हें, अभी वीडियो यहां पर दिख जाएगी स्क्रीन पे, उसमें से क्वेश्चन भी कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब जाके बात बनेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा एक और बात सुनो, मान लो हमारे पास रैंक जो है, रैंक ऑफ ए लेस देन एन आ गया। अब रैंक क्या होता है यार, थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया डेफिनेशन, ऑल दो मैंने लिख दिया क्या होता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। रैंक ऑफ ए मान लो छोटा आ गया ऑर्डर से, ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए, अगर इससे छोटा है, विच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लो रैंक तुमने निकाला, रैंक का एक ऑपरेशंस वगैरह लगा के, वो भी मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिस में, अगर रैंक मान लो 3x3 की मैट्रिक्स थी और रैंक आ गया 2, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों पे। अगर मान लो रैंक ऑफ ए नहीं आया एक इक्वल, सॉरी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन आ गया, विच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो तो आ ही नहीं सकता। अगर जीरो नहीं आ सकता, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, इसका मतलब इनवर्टिबल। तो यहां से ये भी लिख सकते हो, नॉन सिंगुलर इंप्लाइज इनवर्टिबल, यहां से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दो, तो पहली बात तो यार प्रीवियस ईयर इतने ज्यादा अवेलेबल होते नहीं सीयूईटी के, हाँ, और जितने भी मेरे को मिले वो मैंने टेस्ट सीरीज में डाल दिए। ठीक है, तो वहां से देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा यार तुम्हें, मतलब मैं उसका पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे पे नहीं करना आपको, मैं क्यों करूं पे, मैं तो यहीं से पढ़ूंगा यूट्यूब से, आपने जैम वालों को फ्री में पढ़ाया था, हम क्यों पैसे दें, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं तुम्हें ऐप में जाओगे स्टडी मटेरियल सेक्शन में पेपर भी दे दूंगा। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं घबराने की कि पे करने ही करने हैं, लेकिन अगर तुम्हें टेस्ट देने हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उसके लिए छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बढ़िया, यह हमारे पास, तो यह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच इज
जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल बनाए जा रहे हैं, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी. इन दोनों में से मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, मैंने थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक करी है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ बी, उससे भी छोटा आने वाला है रैंक ऑफ ए बी. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसके नेक्स्ट वाले भी, यही नहीं सिर्फ इससे नेक्स्ट भी, रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी. इन दोनों पे आजकल ज्यादा बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान रखना इसे. नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. अब हमारे पास आ जाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, जो तुम्हें तीन इक्वेशन दी होती है ना उससे मिलकर बनती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऐसे लिखी जाती है, ठीक है. तो लिखो, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. अगर दोनों के रैंक सेम आते हैं तो कंसिस्टेंट, वरना इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ. बढ़िया, बहुत अच्छा. 13 नंबर, यहां से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है. अभी एक और इनइक्वालिटी आएगी, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा ये बताओ, अगर मैं आइगन वैल्यूज तो निकालनी आती ना, क्या करते हैं ए माइनस लैम्डा आई, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है. अगर मैं आइगन वैल्यू का सम कर दूं तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, तो वो किसके इक्वल आता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है. ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो किसके इक्वल आता है, वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, ऐसा कुछ. इंपॉर्टेंट, बढ़िया. वैसे तो कोई अनइंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा ही नहीं रहा हूं मैं, बट फिर भी एक बार अपने नोट्स में इसे ऐड कर लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वहीं से ही मिलता है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स. यहां से जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और सबसे छोटा पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल. वीडियो पॉज, लिख लो ये बात, जल्दी लिख लो ये बात जो मैंने बोली है. सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल जिसको ए सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल. तो लिखो, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिवाइड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एवरी रूट ऑफ मतलब तुमने जो पॉलिनोमियल आया है मिनिमल पॉलिनोमियल उसके रूट निकाल लिए सॉल्व करके, जो भी उसके रूट होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक के भी होंगे. रूट्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एंड वाइस वर्सा, दोनों ही होगा. इसके रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है तो दोनों के रूट्स एक दूसरे को कैरेक्टरिस्टिक और इसके दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स इज आइडमपोटेंट. ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, इसका ध्यान रखना. मैट्रिक्स इज आइडमपोटेंट. वैसे अगर तुम देखोगे ना आइडमपोटेंट पे, इतने बड़े बड़े लेक्चर बना रखे मैंने एक एक मैट्रिक्स पे. सोचो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड आइगन वैल्यू ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, प्लस वन माइनस वन. इसकी होंगी, यहां से अगर तुम देखो तो इसको अगर लैम्डा स्क्वायर लिख ले, इसको लैम्डा लिखे, लैम्डा को इधर लेके आओगे तो बन जाएगा लैम्डा कॉमन लैम्डा माइनस वन, तो दो रूट आ रहे हैं जीरो और वन, तो इसकी दो आइगन वैल्यू होती हैं. तो आइगन वैल्यूज ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स आर जीरो एंड वन, जीरो
और वन। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केले मिल्टन थ्योरम, बड़ी ज्यादा फेमस है कि सारी की सारी मैट्रिसेस जो होती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो लिख लो, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम। 18 नंबर पे चलते हैं, 18 नंबर पे चलो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हार्मिशियन, अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक ना बोल के स्क्यू हार्मिशियन बोल रहा हूं, ठीक है। वैसे स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में एंट्रीज रियल होती हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हार्मिशियन, और ब्रैकेट में लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ईदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ऐसा कुछ। बहुत अच्छे, वाओ, व्हाट इज द रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब हमें प्योरली इमेजिनरी भी पता लग गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगर हर्मिशियन की बात करें तो ये तो भैया आपने स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक बता दी, लेकिन सिमेट्रिक और हर्मिशियन की बात करें तो हमेशा रियल आएंगे आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक में भी आ सकते हैं, रूट तो आ सकते हैं ना इमेजिनरी। हाँ, ये थोड़ा सा मैं यहां पे करेक्ट कर लेता हूं खुद को कि रूट तो आ सकते हैं ना इमेजिनरी, तो इसको ध्यान रखना प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट वाला नहीं आएगा उसका, सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट आएगा, 2 iota 3 iota 4 iota ऐसा कुछ। आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक और हार्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, ये क्या होंगे, हमेशा रियल होने वाली है। 20 नंबर पॉइंट पे जाने से पहले इनको देख लो, जल्दी से देख लो। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर आएगा डायगनलाइजेशन, क्योंकि इसलिए इसको मैंने कहा है, ध्यान से देख लेना। एक मैट्रिक्स को डायगनल कब कहेंगे, डायगनलाइजेबल कब कहेंगे, तो लिखो a matrix is diagonalizable if पहला पार्ट, इसकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो, व्हाट इज एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। याद है वो ऐसा कुछ होता था कि कितने आइगन वैल्यू सेम है उसे क्या बोलते थे, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, कितनी आइगन वैल्यू सेम है। जैसे मान लो मैंने आइगन वैल्यूज निकाली 1 1 1, तो कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार, इसको क्या बोलते थे, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो। टू वे इंटरेक्शन रखते हैं इसमें, वन वे नहीं रखते वीडियो में, जल्दी से बता दो, मतलब व्हाट इज एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। फिलहाल के लिए मैं सेकंड पॉइंट पर जाना चाहूंगा, यह तुम्हारा सा थोड़ा कर्तव्य है कि कमेंट बॉक्स में जाना और बताना व्हाट इज दिस। दूसरा पॉइंट लिखो, इट हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सारी की सारी अलग ही हैं तो सेम ही आएगा, एल्जेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एन डिस्टिंक्ट है सारे के सारे। नेक्स्ट हमारे पास है, इट हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट ये क्या होता है भैया, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर एक अल्फा है एक बीटा है, सॉरी हाँ दो वेक्टर है, लेट अस से एक ए है एक बी है, दो वेक्टर है, तो ये एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं हो सकते कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैं लिख पा रहा हूं जैसे 2i cap + 6j cap, मैं ये a है तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, b वेक्टर इज इक्वल टू, अब b वेक्टर दे रखा i cap + 3j cap,
लेट मी चेक इफ दिस इज करेक्ट. या सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी वेक्टर. ले आना मैं इन दोनों में रिलेशन, रिलेशन नहीं आना चाहिए था. आ गया है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे के डिपेंड कर रहे हैं. अगर नहीं आता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट. यू नो, बढ़िया इंग्लिश देखो तुम्हारे भाई की, बढ़िया इंप्रूव हो रही. इसी बात पे आगे बढ़ना चाहेंगे. मिनिमल पॉलिनोमियल कहा गया. हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल. अच्छा, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसका कोफिशिएंट 1 हो. ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं उसे. फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा. मिनिमल पॉलिनोमियल हैज मिनिमल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैज डिस्टिंक्ट मोनिक फैक्टर्स. डिस्टिंक्ट मोनिक फैक्टर्स मतलब कहने का है, अगर मान लो ऐसे ऐसे है हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हायर ऑर्डर की हो सकती है, हायर डिग्री की हो सकती है, 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन इसको भी सेटिस्फाई कर रही है हमारी मैट्रिक्स. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो कर ही रही है, इसको भी कर रही है. और हमें पता है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है. अभी अभी पॉइंट लिखवाया था तुम्हें. मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा, कुछ लैम्डा का फंक्शन होगा, ये जो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 है ये उसको डिवाइड करेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1, यही मतलब होता है मोनिक फैक्टर्स का. मोनिक फैक्टर्स इनके कोफिशिएंट 1 1 आ गए ना, ऐसा कुछ. बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ना चाहेंगे. तो ये 4 पॉइंट है. अगर डायगोनलाइजेबल करना है तो ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें रिक्वायरमेंट है डायगोनलाइजेबल के लिए. इनमें से एक भी दिक्कत हुई काम खराब हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल नहीं हो पाएगी. इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है, सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो लिखो. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इनवॉल्यूटरी, आइडमपोटेंट, हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन, हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन, दे ऑल आर डायगोनलाइजेबल, आर ऑल डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल. सोचना ही नहीं है भाई साहब, अगर तुम्हें दिख गया कि कोई मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हार्मिशियन है, स्क्यू हार्मिशियन है, आइडमपोटेंट है, इनवॉल्यूटरी है, क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दे आर डायगोनलाइजेबल, सीधे टिक करके आ जाओ भाई साहब. अगर मैं नील पोटेंट की बात करूं, नील पोटेंट ऐसी, नील पोटेंट ऐसी मैट्रिक्स होती है जिनको अगर मल्टीप्लाई करोगे एक से ज्यादा बार, मतलब 2 या 2 से ज्यादा बार खुद से ही, तो नल मैट्रिक्स बन जाए, उसे नील पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं. ऐसा कुछ, नल नल मैट्रिक्स बन जाए तो उसे नील पोटेंट कहते हैं. तो लिख लो कि नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स, नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल. चलो 23 नंबर पॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रैंक 1 विद ट्रेस 0 आर नॉट रैंक 1 मैट्रिसेस. कितने भी ऑर्डर के हो सकते हैं लेकिन उनका रैंक 1 आ रहा है. रैंक 1 मैट्रिसेस विद ट्रेस 0 आर नॉट डायगोनलाइजेबल. यहां तक लिख लो. पॉइंट नंबर 24 आर नॉट डायगोनलाइजेबल. अगर नॉन जीरो होती तो हो जाता, ये भी ऐड कर लेना पॉइंट. इफ दे आर ट्रेस इज नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल. नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहूंगा. लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इफ रैंक ऑफ a इज लेस देन n माइनस 1, रैंक ऑफ a लेस देन n माइनस 1, ऑर्डर से एक कम, तो हम क्या कहेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट जीरो होता है ना, तो उस हिसाब से इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो.
एडजॉइंट ऑफ ए रैंक, और यार क्या कर रहे हैं हम, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे जीरो हो सकता है यार, वो तो जीरो मैट्रिक्स आती तो बात भी थी, एडजॉइंट ऑफ ए तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, समझ रहे हो। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज जीरो, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज जीरो। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है इफ इट इज इक्वल टू, इफ इट इज लेस देन एन माइनस वन, दूसरा लिखो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस वन, विच इंप्लाइज रैंक ऑफ ए माइनस वन, सॉरी रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। और अगर लिख लो इफ रैंक ऑफ, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इंप्लाइज रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन खुद एन पे जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए को भी एन पे लेके जाएगा। बहुत अच्छे, समझ रहे हो, अगर खुद जाएगा एन पे तो एडजॉइंट ऑफ ए को भी एन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो कॉफी पे अकेले मत जाना कभी भी, मजा नहीं आता। ये मैं यहां से नहीं बता रहा हूं, ये जस्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसलिए मैंने जाने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, बैड जोक उसी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, हम बहुत पहले से इसमें माहिर है बैड बैड जोक मारने में। अब ये हमारे पास एक और न्यू चीज आ गई है, अगर अभी तो हमने किया था ना वो लेस देन इक्वल टू वाला, रैंक ऑफ ए बीज, ये रैंक ही लिखा मैंने, ठीक है, न्यू सिंबल आ गया बस इसका। अभी हमने लिखा था रैंक ऑफ ए बीज लेस देन इक्वल टू दिस दिस दिस, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। अब हमारे पास या ना ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, शॉर्ट फॉर्म वैसे सिंबल में लिख लेते हैं, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी माइनस एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, ए और बी सेम ऑर्डर के याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंबाइंड लिखना चाहूं तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, इससे तो बड़ा होगा रैंक ऑफ बी ए बी, और छोटा किससे होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, ये मैंने कंबाइंड लिख दिया है, ठीक है, यहां तक लिख लो, बहुत अच्छे। इसके साथ ही हमारे पास 25 पॉइंट के साथ हमारा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज वगैरह वगैरह खत्म होता है, प्रैक्टिस करेंगे एंड में, प्रैक्टिस वीडियो एंड में। फिलहाल के लिए मैं वेक्टर स्पेसेस, बेसिस डायमेंशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ना चाहूंगा तरफ, और यही हमारा लास्ट भी टॉपिक है यार, छोटा सा ही था आज का तो लेक्चर हमारा, है ना। तो ये हमारे पास, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वेक्टर स्पेसेस। सबसे पहले तो एक बार जल्दी से वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि मैं नहीं लिखवाने वाला हूं। क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती थी एडिशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, वो लिख लो। और कौन सा एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता था, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे चीजें पढ़ी है ना, पक्का। तो हेडिंग डाल लो इसी बात पे, वेक्टर स्पेसेस एंड सब्स, वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, हेडिंग डाल लो, डालिए। सबसे पहला लिखो सबस्पेस कब बोलते हैं, किस चीज को, थोड़ा बढ़िया सी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, टू वे कंडीशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस v ऑफ f ओवर अ फील्ड f, ओवर अ फील्ड f टू बी सबस्पेस एक w, क्या है सबसेट है इसका, ये वेक्टर स्पेस है, f फील्ड पे कोई भी फील्ड हो सकती है, टू बी अ सबस्पेस ऑफ v, टू बी अ सबस्पेस ऑफ V is that for all AB belongs to F, for all A comma B belongs to F, and for all alpha beta belongs to W, implies alpha A alpha plus में B beta belongs to W। यहां तक लिख लो, यहां पे लिख लो, कोई भी दो वेक्टर लो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी वापस अगर इसी में ही आ गया W में, तो उसे हम क्या बोलते हैं सबस्पेस। एक बार रिपीट करते हैं, अगर तुमने कोई भी दो वेक्टर लिए W से,
जो सबस्पेस बनाना चाह रहे हो, उस W से दो वेक्टर निकाले, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, वापस लीनियर कॉम्बिनेशन उसी W में मिलता है, तो देन W इज सबस्पेस। तुम्हारे सामने यही है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑल्सो सबस्पेस, लेकिन यूनियन नहीं होता यार, है ना। W1 W2 क्या है? सबस्पेसेस। देन W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबस्पेस। तीसरा पॉइंट, W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1। दोनों में से एक कोई हो जाए तभी बात बनेगी, वरना ये बात नहीं बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट? हमारे पास है द स्पैनिंग सेट। स्पैनिश नहीं हुआ है, स्पैनिंग सेट S इज अ सबस्पेस। ऐसे थोड़ा मेरा एक्सेंट ऐसे पता क्यों है, बीच बीच में वो पंजाबी एक्सेंट क्यों निकलता, हमारे ना एक सर कॉलेज में तो उनका एक्सेंट ऐसे था, वैसे बोलते थे, मैं अपने बताता भी हूं कहीं कहीं लेक्चर्स में उनके बारे में, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्सेंट मेरा निकल जाता है वैसे वाला। वो ऐसे बहुत डांटते थे पढ़ाते पढ़ाते, हमारे डाउट नहीं भी होते थे वो खुद से ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ द स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग अभी बच्चों ने सोचा भी नहीं इसको स्पैनिश, जैसे मैंने बोला तो वो खुद ही बोल देते थे ओए स्पैनिश नहीं स्पैनिंग, और बच्चे सोच भी नहीं रहे थे, जैसे उन्होंने बोला फिर स्पैनिश कुछ याद आ गया, तो वो अलग बात है। तो ऐसी चीजें वो थोड़ी थोड़ी वहां से अभी रह गई है मेरे दिमाग में, वक्त लगता है यार पुरानी चीजों को बुलाने में। हाँ समझ रहे हो, द स्पैनिंग सेट S इज सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S ऑफ V कंटेनिंग S। मतलब जितने भी तुम स्पैनिंग वेक्टर निकाल सकते हो जो V को स्पैन करें, स्पैन का मतलब जैसे IJK थ्री डायमेंशन के स्पेस को पूरे को जनरेट कर सकते हैं, तुम मेरे को 3D में कोई भी पॉइंट बोलो IJK, बस मेरे को इसके साथ नंबर जोड़ने हैं यहां पे कुछ, यहां पे यहां पे यहां पे, इन डॉट की जगह मेरे को कुछ नंबर रखने हैं, पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस ये जनरेट कर देंगे। ऐसे जितने भी ऐसे सेट एलिमेंट हो सकते हैं सारे मैंने एक डिब्बे में डाले, उसी को ही क्या बोलने वाले हैं स्पैनिंग सेट। ठीक है, सारे जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो सारे के सारे एक डिब्बे में डालेंगे, उसे ही बोलेंगे स्पैनिंग सेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लो पॉइंट नंबर 5, स्पैन S इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेस ऑफ V ऑल सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S यहां तक लिख लो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास वेक्टर स्पेसेस का, फिर हम बेसिस एंड डायमेंशन पे आएंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे कंपेयर करें तो ज्यादा पूछे जाएंगे। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2, दैट इज W1 प्लस W2 इज ऑल्सो अ सबस्पेस। अरे यार इंक का ओवरफ्लो, इज ऑल्सो अ सबस्पेस। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस। इसके बाद हम बढ़ना चाहेंगे बेसिस एंड डायमेंशन की तरफ, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेसिस एंड डायमेंशन। अब बेसिस एंड डायमेंशन में क्या है? बेसिस क्या होता है पहले ये बताओ। बेसिस वेक्टर हमारे पास होते हैं ऐसे वेक्टर्स जो पूरे स्पेस को जनरेट कर दें, जैसे मैंने IJK बताया था ना, वो बेसिस वेक्टर थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेसिस एंड डायमेंशन। इसके बाद एक और टॉपिक है अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं वहां से, कुछ मैं थ्योरम्स लिखवाऊंगा, डायरेक्ट थ्योरम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। तो इसमें पहला लिखो
एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, पहला पॉइंट, एवरी सुपरसेट, सबसेट नहीं, सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब बताया था अगर तुमने दो वेक्टर लिए हैं और उसको ऐसे लिख पा रहे हो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ऐसे नहीं लिख पा रहे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। या फिर एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं, C1 अल्फा प्लस C2 बीटा प्लस C3 गामा इक्वल टू जीरो, ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू जीरो। अगर ये कॉन्स्टेंट जीरो है तभी ये जीरो, वरना होगा ही नहीं, कुछ ही कर लो, कुछ ही कर लो, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट, वरना लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। अगर इनमें ये जीरो ना हो पाए फिर तो मैं एक को बाकी दोनों के टर्म्स में लिख लूंगा। इसलिए द सुपर सेट ऑफ एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इसमें सुपर सेट है अंडरलाइन कर लेना, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट हमारे पास है, अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस इज सेट टू बी बेसिस, कब होती है बेसिस, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए और स्पैन भी करनी चाहिए, तो लिख लो, अ सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस, अ सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, वी ऑफ एफ इज कॉल्ड बेसिस, इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी इफ इट इज, इफ इट इज एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड एस जनरेट्स वी, मतलब स्पैन्स वी या जनरेट्स वी कुछ भी लिख लो, दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, हेयर इट इज। अगर मान लो सारे के सारे स्पेस को जनरेट कर दिया एस ने, देन वी से दैट एस इज बेसिस ऑफ वी, बेसिस मतलब आई जे के पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस को जनरेट करने की ताकत रखते हैं, इसलिए हम उसे बेसिस भी बोल देते हैं। कितने बेसिस में एलिमेंट है इस एल ऑफ एस में, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस, इन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन, इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे अगर मैं R3 लिखूं, इसकी बेसिस में होता है आई जे के कैप जो इसको जनरेट करते हैं, तो आई जे के मतलब तीन हुए, तो इसके बेसिस वेक्टर कितने हो जाएंगे, तीन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तीन। डायमेंशन पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, ध्यान से करना, ठीक है, बढ़िया। पांच नंबर पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि बेसिस इज नॉट यूनिक, सिर्फ आई जे के ही है जो जनरेट कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारे हैं, तो लिखो बेसिस इज नॉट यूनिक बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज यूनिक या इज सेम, इज सेम। हां, आई जे के की जगह कोई और आ सकते हैं, एबीसी, यूवीएक्स, वाई जेड, टाओ, बचे नहीं ना आगे वो अल्फाबेट लेटर्स, तो लेकिन तीन ही होंगे। छह नंबर पॉइंट, अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं R3 में अगर मैं तुमसे पूछूं R3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, तो लिख लो 100 010 001 इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करना चाह रहे हैं, ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स, ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स, मतलब जो हम ये नंबर लेंगे ना, कहां भी लिखा था ना वो C1, C2, C3, वो कहां से लेना है, रियल नंबर लेने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना उसमें, बढ़िया, कॉम्प्लेक्स अलाउड नहीं है। अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस लिखूं पॉलिनोमियल की, तो वो भी लिख लो 1x x square अप टू सोन इज द बेसिस
ऑफ बेसिस ऑफ या इज द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर इज द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस ओवर द पॉलिनोमियल ओवर द पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस ऑफ क्या कर रहे हैं यार हम थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं पता नहीं क्यों इसमें वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ओवर आर। अब ठीक ध्यान से लिख लो। एक तो यार यहां से ना थोड़ा सा माइंड घूम रहा है इसी ना पता नहीं क्या हो रहा है मार्कर के अंदर इंक इंक फैल रही है इसमें। चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर आर एन की जनरल लिखूं तो लिख लो ई वन ई टू अप टू सोन ई एन इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन ओवर आर। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे तो ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ बेसिस अ बेसिस बोल रहा हूं द बेसिस नहीं अ बेसिस का मतलब कोई भी एक बेसिस है नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। अ बेसिस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन द वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड एफ डी वी एस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज नोन एज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इफ नॉट देन व्हाट इफ नॉट इट इज नोन एज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज नोन एज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फिर तो यार हम उधर चले जाएंगे ना वो हिलबर्ट स्पेस वगैरह की तरफ वहां नहीं जाना हमें ठीक है। इफ नॉट इफ देर इज नो इफ देर एग्जिस्ट या इफ नॉट इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने की मेरे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए विच इज एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस कोई भी बोल रहा हूं कोई भी कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म इट्स बेसिस कैन बी ये एक्सटेंशन थ्योरम के अंडर आती है बट मैं इसको डायरेक्ट एक पॉइंट की तरफ लिखा रहा हूं। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उठाओ उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसको बढ़ाया जा सकता है बेसिस बनाने के लिए। एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस। 11 नंबर पॉइंट लेट अस सी इफ डब्ल्यू इज अ फाइनाइट डायमेंशन इज अ इफ डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ इफ डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ देन डायमेंशन ऑफ देन डायमेंशन ऑफ वी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वो लॉगरिथम की तरह जैसे लॉग में होता ना डिवाइड वाला वैसे ही कुछ। बढ़िया आई होप कि यहां तक चीजें तुम्हें समझ आ रही होंगी सिर के ऊपर से नहीं निकल रही अभी चीजें बस कुछ वक्त और फिर हम जीत जाएंगे इस यूईटी का एग्जाम। डायलॉग बढ़िया था ना। अब हम आने वाले हैं अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है कि मान लो लीनियर प्रॉपर्टी अगर कभी भी हमें लीनियर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती हो किसी भी वेक्टर स्पेस में मतलब अगर मैं दो वेक्टर ले लूं किसी भी एक स्पेस से और कुछ ऐसा हो रहा हो उसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं और ऐसी कुछ प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो तो हेडिंग डाल लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन। पहला पॉइंट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवा रहे हैं तुम्हें सोचो लेट दो वेक्टर स्पेस ले लेते हैं यू ऑफ एफ एंड वी ऑफ एफ आर वेक्टर स्पेसेस देन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ऑफ एफ टू वी ऑफ एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म
और अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लो, इसको भी अंडरलाइन कर लो, दोनों सेम बात है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू इंटू वी, यू इंटू वी, यू से कहां जाना है वी में, किसके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, ये टी टी तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी ना. बट फिलहाल के लिए अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बात कर रहा हूं तो हम बात करेंगे टी. अगर मैं यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन यूज कर लू, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, टी ऑफ ए टाइम्स टी ऑफ अल्फा प्लस बी टाइम्स टी ऑफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ. ये वी है, ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू. यू से वी से नहीं है, वी से क्या फिर, ये टी ऑफ अल्फा टी ऑफ बीटा, ये टी ऑफ अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा. ये लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, जॉब में लिख रहा हूं, लास्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. ये सारे कहां पे आएंगे, वी में. इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ही तो वी में आएगी, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू करनी है, टी की. और ये टी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, लीनियर वर्ड लिखा मैंने, ठीक है, बढ़िया, यहां तक लिख लिया. चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, जब ये चीज फॉलो हो रही होगी, ये चीज, ठीक है, अलग अलग करके लिख सकते हैं. साइन में तो ऐसा नहीं होता, साइन इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. क्या साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ऐसा होता है? नहीं. क्या लॉग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ऐसा होता है? नहीं, यहां भी नहीं होता, ठीक है, समझ पा रहे हो, बढ़िया. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, बट मे बी इट इज समथिंग एल्स. जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे तुम्हें दिखाऊंगा. होमोमॉर्फिज्म को और ज्यादा डीप पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म को और ज्यादा डीप पढ़ेंगे कि एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में भी जा सकते हैं. जैसे लॉगरिथम को और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक अगर दो अलग अलग ग्रुप से, यहां पे तो मैं एज्यूम करके चला हूं कि ये और ये सेम ऑपरेशन पे है. अभी मैंने बताया नहीं है वैसे तुम्हें ऑपरेशन का मतलब, अगर ये एडिशन पे वर्क कर रहा है, ये एडिशन पे वर्क कर रहा है, ये स्केलर वेक्टर एडिशन है, ये भी वेक्टर एडिशन है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है. एक्चुअल में मैंने ऐसा लिखा हुआ यू ऑफ एफ कॉमा प्लस कॉमा स्टार, और दूसरे वाला जो वेक्टर स्पेस है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो दोनों सेम से ही वर्क कर रहे हैं. स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये रही, एक्चुअल लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसा लिखा हुआ ये टी ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ऐसा वेक्टर एडिशन, ऐसा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ऐसा वेक्टर एडिशन, ऐसा. अब ये एक्चुअल, ठीक है, कुछ ऐसे. फिर से मुझे वही लिखना चाहिए अगर पूरा इसको कंप्लीट करना है तो, ऐसा कुछ ये एक्चुअल में, अगर एग्जैक्ट नोटेशंस पे मैं जाना चाहूं. बट ऐसा हम यूजुअली लिखते नहीं, हम तो सिंपल एडिशन को एडिशन की तरह और मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लीकेशन की तरह लिख देते हैं, इतना ज्यादा सोचते नहीं है. लेकिन जब मैं तुम्हें एक्चुअल होमोमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, दूसरा एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू. आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक में ए बी सी डी, एक में 1 2 3 4. एलिमेंट का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों का बिहेवियर सेम ही है, ठीक है, ऐसा इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक. आइसोमॉर्फिक टू एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ ओवर एफ, तीसरा पॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है टीएस कब डिफाइन हो सकता है, दो ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कब कर सकते हो. इट इज पॉसिबल, इज डिफाइंड ओनली, इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ओनली व्हेन रेंज ऑफ एस, रेंज ऑफ एस इज कंटेन्ड इन, कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ टी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, एंड नॉट अदरवाइज, एंड नॉट अदरवाइज. डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, याद रखना, ठीक है. एंड ऑल्सो इसके साथ मैं एक बात लिखना चाहूंगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल. टी एस इज नॉट इक्वल टू एस टी, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट यहां जरूरी नहीं है. आगे बढ़ना चाहेंगे इसी बात पे. नेक्स्ट हमारे पास आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑफ,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या पूरा लीनियर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका डायरेक्ट भी कई बार पूछ लिया उन्होंने, जिसे बोलते हैं रैंक मल्टीप्लिसिटी, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम भी एक कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, लेकिन हमने एक वीडियो बनाई बड़ी ढूंढ ढूंढ के तो वो भी है। बढ़े आगे चलो, रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम हमें क्या कहती है कि रैंक नलिटी थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर मान लो हमारे पास एक इफ टी इज डिफाइंड फ्रॉम यू टू वी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, ऐसा कुछ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, थोड़े सा हम यहां पे एरर ना करें इसलिए ध्यान से, डायमेंशन ऑफ यू, रैंक इसका नलिटी भी इसकी, दोनों को मिलाओगे तो डायमेंशन ऑफ वी आएगा, डायमेंशन ऑफ यू आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि रैंक और नलिटी होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, कि हमने वैसे तो पता रैंक क्या होता था जब हम मैट्रिसेस की बात करते थे, तब भैया आपने हमें बताया रैंक क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या होता है रैंक, अभी बताते हैं रुको, उससे पहले मैं एक दो बातें लिखवा दूं फिर बताता हूं, ताकि पूरा फ्लो में ही चले हम, ठीक है। कुछ ऐसा है कि लेट, पांच नंबर पॉइंट, फिर से टी बी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, बी एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन इफ डायमेंशन ऑफ यू इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ वी, ऑब्वियस सी बात है यहां के सारे एलिमेंट्स यहां वर्क मैप नहीं हो पाएंगे, या फिर अगर मैप करने भी होंगे तो दो एलिमेंट एक पे मैप होने पड़ेंगे, बातें नहीं बनेगी, इसका मतलब 1-1 नहीं हो पाएगा, विच इंप्लाइज टी कैन नॉट बी 1-1। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 6, अगर मान लो बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ डायमेंशन ऑफ यू इज लेस देन डायमेंशन ऑफ वी, तो क्या नहीं हो पाएगा, फिर हमारे पास ऑन टू नहीं हो पाएगा, which implies t is not onto, सात नंबर पॉइंट मैं डिफाइन कर देता हूं एक बार रैंक नलिटी होता क्या है, ठीक है। तो लिखो t be a linear transformation, t from u to v, b linear transformation, लैंग्वेज में भी लिखवा देता हूं और वैसे भी, the range is the image set of u under t, the range set is the image set of u under t, मतलब कहने का क्या है, u के एलिमेंट्स की जितनी भी इमेजेस आती जाएंगी उसको इकट्ठा करते रहो डिब्बा बनाओ, उस डिब्बे को क्या कहते हैं, रेंज सेट, रेंज के डायमेंशन को क्या बोलते हैं, रैंक, जल्दी से लिख लेते हैं, दैट इज रेंज ऑफ t हमारे पास क्या आएगा, रेंज ऑफ t इज इक्वल टू ऑल दोस t अल्फा बिलोंग्स टू v, अल्फा कहां से आता है, यू से, टी अल्फा कहां से आता है, वी से, फॉर ऑल या फिर अल्फा बिलोंग्स टू यू, यही लिखा मैंने ऊपर भी, इमेज सेट, द डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ रेंज ऑफ टी, देन डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी, इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी। ऐसे ही हमारे पास दूसरी चीज क्या आनी चाहिए, रैंक डिफाइन कर दिया, क्या आना चाहिए, नलिटी, तो दूसरा लिखो n ऑफ t इज इक्वल टू वो एलिमेंट सारे इकट्ठे कर लो, अल्फा बिलोंग्स टू u सच दैट t ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं सारों को इकट्ठा कर लो, सॉरी जितने भी ऐसे वेक्टर्स हैं सारे वेक्टर्स को इकट्ठा कर लो, कौन से वेक्टर्स को इकट्ठा करना है, ये अगर हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, अगर ये सारे एलिमेंट्स u के अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब, ये सारे किस पे मैप हो रहे हैं, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो पे मैप हो रहे हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, नलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, नलिटी या फिर n ऑफ t, ठीक है, बढ़िया। याद तक लिख लिया,
तो क्या लिखा है, n of t and the dimension of null space, इसको बोलते हैं null space. Dimension of null space, डायमेंशन का मतलब कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो जीरो पे मैप हो रहे हैं. जीरो यहां पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी लिख लो, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट. जब हम ग्रुप थ्योरी करेंगे और डिटेल में सीखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है. इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी एन ऑफ टी भी लिखते हैं, इसे ध्यान रखना. आगे बढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट हमारे पास लिखो क्या आता है, इफ टी, ये पॉइंट भी हमारे पास लिखने लायक है तो लिख लो, लेट टी बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से वही है, लेट टी फ्रॉम यू एफ टू वी एफ बी एल टी, देन टी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ नल स्पेस या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इफ नल स्पेस ऑफ टी, या फिर हम इसको बोलते हैं, दूसरा भी इसका नाम होता है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में आ जाए तो, इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ टी, या फिर और ऐसे नोटेशन होती है KERT, नल स्पेस या फिर कर्नल ऑफ टी, दोनों सेम ही बात है, ठीक है. कर्नल ऑफ टी कंसिस्ट ऑफ जीरो वैक्टर अलोन. यहां पे क्या मैंने कोई ऐसी कंडीशन लगाई थी कि एक ही एलिमेंट मैप हो रहा है जीरो पे, नहीं, जितने भी एलिमेंट मैप हो रहे थे सारों को इकट्ठा करो, उसे बोलते हैं नल स्पेस. लेकिन अगर एक ही एलिमेंट, ये यू है ये वी है, यहां का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, यहां के जीरो पे मैप हो रहा है जीरो डैश पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर. तो हम इसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर, एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर. लिख लो वीडियो पॉज करके, मैंने शायद थोड़ा जल्दी बोल दिया है. इफ identity element of U is mapped to identity element of B by a transformation T, then it is non-singular. That is, if alpha belongs to U and T of alpha is equal to 0, implies A ki aisa element ho sakta, alpha is equal to 0. 0 ko 0 pe map kar rahe hain, theek hai? 0 ko kis mein map kar rahe hain? 0 ko. Ye 0, मैं एक बार लिख देता हूं, इसे जीरो डैश मान लेते हैं. जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी, जीरो डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू, ऐसा लिख लो. मान के चल रहे हैं अगर दोनों एलिमेंट सेम ही हो गए तो अलग बात है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट. मैं थोड़ा ग्रुप थ्योरी की तरफ ज्यादा ही इंक्लाइंड हो रहा हूं, अगर तुम इसे भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे याद रख लो, जीरो जीरो पर मैप होना चाहिए, बात खत्म. बस तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर. तो क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो एग्जाम में नॉन सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है, एक ही एलिमेंट मैप होना चाहिए जीरो पे, कौन सा, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी मैप हो गया तो दैट इज इट, खत्म, इतना ही था. एक और बात लिख लो यहीं से, टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1. अभी यहां पर हमने 1 1 की बात की थी, है ना. टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ 1 1. तो 1 1 की भी एक कंडीशन पता लग गई है, एक एलिमेंट उसी पे मैप होना चाहिए, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये, इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तो नहीं, इस एग्जाम में उतना ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, और वैसे भी अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ज्यादा इसमें नहीं घुस रहे हैं, ठीक है. टी इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर के भी काफी ज्यादा केसेस बन जाते हैं. टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ If and only if T carries each linearly independent subset of U onto linearly independent को कहां पे मैप कर रहे हैं, linearly independent पे, linearly independent of V, बस खत्म, subset of V, linearly independent subset of V. ऑफ वी, ये हमारे पास एक और भी है हमारे पास, हाँ, नॉन सिंगुलर का मतलब इनवर्टिबल भी होता है, इनवर्टिबल का मतलब टी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा,
इनवर्स इमेज ऑफ टी, जैसे वो एफ का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, वैसे ही टी का भी टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो नॉन सिंगुलर के साथ चार पॉइंट अभी मैं समराइज भी कर दूंगा, बस लास्ट लिख लो, टी इज नॉन सिंगुलर इंप्लाइज इनवर्टिबल, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर से ये ट्री डायग्राम बना लो, नॉन सिंगुलैरिटी से क्या क्या मिलता है। नॉन सिंगुलैरिटीज मतलब टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इससे बनता है वन वन, इससे बनता है लीनियरली इंडिपेंडेंट को मैप कराएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट को मैप कराएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे, और लास्ट हमारे पास है इनवर्टिबल। चल ऐसे याद रखना इस। So, ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स, इसके थोड़े से कमी बने हैं, 12 पॉइंट्स बने हैं, बट मैंने पूरा का पूरा समराइज करने की कोशिश की है, पूरे का पूरे लीनियर अलजेब्रा के हमने एक समरी ले ली है, और मेरे ख्याल से तुम्हें चीजें भी समझ आई होंगी। मैंने साथ साथ बताने की भी कोशिश किया उसे कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब तुम्हें स्क्रीन पर यहां पर एक वीडियो दिखाई दे गई होगी, इस पर क्लिक करो और तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे प्रैक्टिस पे। उससे पहले अगर तुम्हें टेस्ट भी देने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर टेस्ट भी दे सकते हो। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर होगी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत ढेर सारी करना, सीयूईटी फाड़ के आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।